निश्चित रूप से हमने तो कहा कि उप मुख्यमंत्री को जैसे बच्चा होता है ना, उसको चुप कराने के लिए लालीपॉप दिया जाता है। हमारे संविधान में कोई उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है और उप मुख्यमंत्री पद का कोई उनको अतिरिक्त पावर नहीं होते, खाली एक नाम होता है। अरे भैया, 4.5 साल में आप अपने स्वास्थ्य विभाग में अपनी मर्जी से काम नहीं करवा पाए। 3 महीने में जो लोग 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, क्या 3 महीने में सुरखाब के पर लग गए हैं या भूपेश बघेल जी ने उनको और कुछ दे दिया है कि वो इन कामों को कर पाएंगे? इसलिए ये सरकार अपने अंतर विरोधों से ही, अपनी आपसी लड़ाई से ही टूट कर गिर जाएगी। निश्चित रूप से, क्योंकि सत्ता पार्टी अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, आरोपों को बर्दाश्त करने की इनकी स्थिति नहीं है, और इसलिए सत्ता पार्टी के मंत्रियों को तो कम से कम अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संसदीय मंत्री खड़े हुए, वो छत्तीसगढ़ की बात कर ही नहीं रहे थे, वो दिल्ली की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार की बात कर रहे थे। अरे, अविश्वास प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आया है, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। वो हमारे 15 साल की कमियों को बता रहे थे। अगर आप में दम है, आप में मर्दानगी है कि नहीं? 4.5 साल में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको किसने रोका है? सरकार को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है। हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई की, आपके लोग ये पकड़े गए, आपके लोग ये पकड़े गए। ये सरकार में दम नहीं है, और सरकार के मंत्री अपने विधायकों को उकसाकर और अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष की चर्चा को रोकना चाहते हैं, और अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को इसके लिए बार बार निर्देश देना पड़ता है और उनको बहुत से शब्दों को विलोपित करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी, जब सदन को सही तरीके से संचालित करना होता है तब तो चुप बैठे रहते हैं, और जब उनको लगता है कि उनकी सरकार घिर रही है, ये नौजवानों के नग्न प्रदर्शन के कारण ये सरकार पूरी तरह पूरे देश में, पूरे विश्व में बदनाम हो गई है, इनका शासन प्रशासन बदनाम हो गया है, और उसके कारण मुख्यमंत्री जी की उनकी अब चल नहीं रही है, उनकी बिना मर्जी के उप मुख्यमंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के एक मंत्री को हटा दिया गया। तो जब मुख्यमंत्री ही लाचार हैं, तो लाचार मुख्यमंत्री अब सदन में लोगों को इमोशनल बनकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु भूपेश बघेल जी का चेहरा सबने देख लिया है, सबने पहचान लिया है कि खाली वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता को जितने वादे किए, मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए के वादे, उनका वो क्या चलता है? गांव-गांव में जाते हैं, वो भेंट मुलाकात नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का एक उनका उपकरण है, और उससे लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। मैंने बताया कि एक लड़के को जो विकलांग था, उसको कहा कि वो तेरे बाप ने भी कभी मुख्यमंत्री से बात की है? एक लड़की से क्या व्यवहार किया? तो जो मुख्यमंत्री गुरूर में फंसा हुआ है, ऐसे मुख्यमंत्री को जनता गुरूर से उसका उतारेगी, और यह अविश्वास प्रस्ताव उसमें मील का पत्थर साबित हो। जरा बताएं, कभी भी हम लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते। जरा अगर आप लोग जानते होंगे तो राजाओं के यहाँ लल्लू लाल काम करते हैं, जो उनके, अगर सरगुजा के लोग होंगे तो जानते होंगे कि लल्लू और लाल किसको बोलते हैं, जो आदेश का पालन करते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 35 सालों में कभी भी हमने असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया है, और हम सबका सम्मान करते हैं। अगर असंसदीय भाषा का उपयोग कोई कर रहा है तो सत्ता दल के मंत्री कर रहे हैं, जो रे तू बे और ए की भाषा का उपयोग करते हैं, जरा उनको समझाने की जरूरत है। ये इस अविश्वास प्रस्ताव ने इस सरकार को निर्वस्त्र कर दिया है। आज से 95 साल पहले इस देश की नेशनल असेंबली में भगत सिंह जी ने और दत्त जी ने अंग्रेजों की जो तानाशाही थी, अंग्रेजों की जो नादिरशाही थी, अंग्रेजों को जो अत्याचार था, अन्याय था, उसके विरुद्ध में असेंबली में बम फेंका था, और वो बम फेंकने के बाद भी कि वो नौजवान हैं, वो नाबालिग हैं, इसलिए अंग्रेजों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी,
आज 95 साल बाद छत्तीसगढ़ की धरती पर नौजवानों ने नग्न होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया, और वो भी दुखी होकर, परेशान होकर। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वैसी ही परिस्थितियां, वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं जिन्होंने इस सरकार को पूरी तरह नंगा कर दिया, निर्वस्त कर दिया, और उनको सरकार ने जेलों में डाल दिया। वो क्या मांग कर रहे थे कि जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए, नौजवानों को नौकरी दी जाए। ये सरकार तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो नौजवान है, पीएससी में भ्रष्टाचार, हमारे कैंपा में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, और इससे आज पूरा छत्तीसगढ़ का युवा दुखी है, व्यथित है, और विशेष रूप से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको भूपेश बघेल जी ने 78% का झुंझुना थमाया, और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को आरक्षण मिले, उनका आरक्षण कम हो गया। और बोलने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि कांग्रेस के लोग अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते, कांग्रेस के लोग अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहते। मंत्री खड़े होकर इंटरप्ट कर रहे हैं, मंत्री खड़े होकर बोलने नहीं दे रहे हैं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें जो हमने मुद्दे लाए हैं, वो मुद्दे जन जन तक पहुंचेंगे, और इन मुद्दों के माध्यम से 2023 में ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए क्या है, अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं विश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है, और सरकार के मंत्रियों को, अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। राशि के शेष में तो हमने पूछा कि भाई ये गोठान से जुड़ा हुआ मामला है, गोबर खरीदी से जुड़ा हुआ मामला है, और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा गरवा घुरवा बारी। हमने माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा कि भाई 229 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है, ये 229 करोड़ रुपए की राशि का गोबर आपने कहां पर रखा है, यह राशि कहां पर रखी है, ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज बना है क्या छत्तीसगढ़ में जिसमें गोबर रखा जा सकता है? आपने कहा चारा घोटाले से बड़ा घोटाला है, निश्चित रूप से। देखिए चारा घोटाला से ये तो जो ज्ञात में आया है वो पता नहीं अज्ञात कितने, 229 का तो रिकॉर्ड में, तो ये चारा घोटाला से निश्चित रूप से बड़ा घोटाला है। डिप्टी सीएम का तो कोई पावर ही नहीं होता, आप लोग सब भी जानते हैं, प्रोटोकॉल है, एक दर्जा जरूर है, उसमें सम्मान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अपितु उसके कोई पावर डिप्टी सीएम का नहीं होता। ये चुटके लेने की बात है, थोड़ा हंसी मजाक होता रहे वहाँ तक ठीक है, जो भाषा उनने उपयोग की प्रारंभ में वो असंसदीय अशोक ने, उसमें आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो। हम लोग का समय बहुत लग जाता है जवाब तैयार करना, आप समझिए कि सारे विभाग लगे हुए हैं इसमें बिंदुवार जवाब देना, कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है, जो कम से कम मैंने अपने विभाग का देखा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लगता है कि हाँ, वो कहते हैं शिशु मृत्यु दर, वो कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, वो खुद जान रहे हैं कि उसमें कमी आई है, वो कह रहे हैं बढ़ गया, तो उद्देश्य क्या है इसके पीछे? शायद मीडिया में आ जाए, और कुछ उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्रेस में, मीडिया में, अखबार में उनको कुछ स्पेस मिल जाएगा जो कई सालों से उनको लगता है कि उनको नहीं मिला है चुनाव के पहले, और कुछ मुझे उद्देश्य नहीं।